हाथरस में 2 जुलाई को एक धार्मिक सभा के दौरान हुई भगदड़ में 121 लोगों की जान चली गई थी, जिसमें मुख्य रूप से महिलाएं और बच्चे शामिल थे। इस घटना ने 3200 पन्नों की चार्जशीट में आरोपियों की सूची से सूरजपाल उर्फ भोले बाबा का नाम हटा दिए जाने के बाद विवाद खड़ा कर दिया है। यह घटना फुलराई गांव में हुई थी और तब से इस पर व्यापक चिंता और बहस छिड़ गई है। घटना की गंभीरता के बावजूद मंगलवार को अदालत में पेश की गई चार्जशीट में सूरजपाल का नाम नहीं था। बीएसपी प्रमुख मायावती ने आरोप पत्र में सूरजपाल का नाम ना होने पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि इससे इस स्वघोषित धर्म गुरु के राज्य सरकार से संभावित संबंध या कृपा की ओर संकेत मिलता है। यह बहिष्कार विशेष रूप से चौंकाने वाला है, क्योंकि एफआईआर में सूरजपाल को आरोपियों में शामिल नहीं किया गया है, जबकि घटना के संबंध में मुख्य आयोजक देव प्रकाश मधुकर सहित 11 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। उल्लेखनीय है कि आरोपियों में से एक मंजू यादव को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जमानत दे दी है, जबकि अन्य अपने कानूनी प्रतिनिधित्व के अनुसार जेल में बंद हैं। मायावती ने एक्स पर अपनी चिंता व्यक्त की और स्पष्ट सरकारी संरक्षण की आलोचना की, जो सूरजपाल जैसे व्यक्तियों को जवाबदेही से बचने की अनुमति देता है। उन्होंने इस तरह के बहिष्कारों से होने वाली जन विरोधी राजनीति पर निराशा व्यक्त की और इस बात पर जोर दिया कि यह न केवल इस विशिष्ट मामले में न्याय के लिए बल्कि भविष्य में इसी तरह की त्रासदियों की रोकथाम के लिए भी खतरा है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने यह भी सवाल उठाया है कि क्या सिकंदरा राव में हुई आपदा के पैमाने और 11 अन्य आरोपियों को सूचीबद्ध करने वाली विस्तृत चार्जशीट को देखते हुए सूरजपाल के मामले में राज्य सरकार की चुप्पी को उचित ठहराया जा सकता है। आरोप पत्र की कथित लंबाइयों में विसंगतियों, जिसमें मायावती ने अपने एक्स पोस्ट में इसे 2300 पृष्ठों का बताया है, जबकि बचाव पक्ष के वकील एपी सिंह का दावा है कि यह 3200 पृष्ठों का है, मामले में जटिल की एक और परत जोड़ता है। यह असंगतता जांच की ज्ञानता और पारदर्शिता के बारे में सवाल उठाती है। मायावती के इस बयान को लेकर आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।